हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंडमली बाय रजत। तो यार, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज विद माय फ्रेंड मनीषा, जिसमें हम एक बुक को पढ़ेंगे हर वीक। और हमारा मेन मोटिव होगा उस बुक के थ्रू जो रियल लाइफ में हम उस बुक से जो सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, उन चीज़ों को आपको बताना। यहाँ पे हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि हम आपको स्टोरीज बता दें कि बुक की स्टोरी क्या थी या एक शॉर्ट समरी दे दें। हमारा मेन मोटिव है कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगा देना कि अच्छा, इस बुक के अंदर इतनी अच्छी चीज़ें हैं, मुझे एक बार पढ़नी चाहिए, है ना। हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए किसी चीज़ के बारे में, पहले कैसा सोचता था अब कैसा सोचता हूँ। वो सारी चीज़ें आप जब डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ते हो, क्योंकि हर ऑथर की एक अलग जर्नी है, कोई कहाँ से आया है, किसी का स्टेटस ऑफ लाइफ कैसा था, वो सारी चीज़ें हर ऑथर की अलग है। तो जब आप किसी ऑथर की बुक पढ़ते हो तो आप उसकी लाइफ के बहुत क्लोज चले जाते हो, चाहे वो फिक्शन ही क्यों ना हो, पर वो फिर भी उसमें बहुत कुछ रियलिटी है उस ऑथर की लाइफ की जो उसने जी है, क्योंकि एट द एंड वही तो क्रिएट कर रहा है। और उसने जो लाइफ देखी होगी वो उसी के अराउंड अपनी इमेजिनेशन क्रिएट करेगा। तो हमारा यहाँ पे मेन मोटिव यही है कि आपके अंदर इनफ क्यूरियोसिटी जगा देना ताकि आप उस बुक को पढ़ सकें और आपको पता चल सके कि यार, मतलब हर बुक के साथ एक बहुत अच्छी स्टोरी मिलती है। वो स्टोरी लाइक आपको रियल लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा सकती है। तो आज हम जो है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये अरुंधति रॉय की नोवेल है। अरुंधति रॉय आल्सो गॉट द बुकर प्राइज फॉर दिस बुक। आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हाँ, फेवरेट। मतलब ये रियलाइज हुआ कि बुक जो है वो रिवॉल्व कर रही है किसी भी कंस्ट्रेन, मतलब ये है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है ना, जैसे वो अनटचेबल वाले लोग हैं को अलाउड नहीं, दूसरी साइड वुमेन ऑपरेशन हो रहा है ना। हाँ, काफी सारे सोशल इश्यूज को केटर करती है। जो मुझे लगी कि उसने सारे सोशल इश्यूज बता दिए एक ही बुक में, ऐसा कोई एक ही बुक में कि भाई हाँ ये नहीं छोड़ना। हाँ, मतलब जो जितने भी मेजर हैं वो सारे कवर किए हैं इसमें। और जैसे वुमेन ऑपरेशन हो गया है ना, और उसका हैरेसमेंट हो गया, उसके बाद में वो अनटचेबिलिटी हो गई और कास्टिज्म भी हो गया। तो लाइक जो मेजर प्रॉब्लम वो सारे ही डिस्कस करें। और मेनली चीज मेरे को बुक की एक चीज काफी अच्छी लगी कि मतलब जिस तरीके से लिखा गया है ना, मतलब जिस तरह से वर्ड्स को वो किया गया है, डिस्कस तो सारे इशू कर रही है, सारी चीजें रख दी सामने, पर रीडर को ना कुछ भूलने नहीं दिया, बार बार चीजें याद दिलाई जा रही है, मतलब थॉट को तो हाँ, मतलब एकदम ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, पर वो चीज वहाँ पे बीच में आ जा रही है, वो जो कनेक्शन है वो काफी अच्छा है इसका। और मतलब वो चीज मुझे काफी सही लगी। जैसे मैं कंस्ट्रेन वाला सोच रहा था ना, तो यूजली मतलब मैंने काफी टाइम पहले आर्टिकल, तो उसमें ये था कि हम कंस्ट्रेन हमने इसलिए बनाए ताकि हम मतलब जो वर्ल्ड है हमारा उसे चला सकें, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे नेचर में तो हर चीज हो रही है ना, कोई भी अगर किसी भी चीज को उठाएगी तो उस पर फिजिक्स भी लग रही होगी, केमिस्ट्री भी लग रही होगी, सब कुछ लग रहा है, ठीक है। पर हमें उसके बारे में जानना था, तो हमने क्या किया कि भाई कर देते हैं, फिजिक्स बना देते हैं, केमिस्ट्री बना देते हैं, बायोलॉजी बना देते हैं, ठीक है, ताकि सुनने वाले को या समझने वाले को आसानी हो, ठीक है, आसानी हो। तो हमने इतने रिजिड बना दिए कि अब फिजिक्स वाला सोचे कि मैं बायो पढ़ लूं तो हम कहेंगे नहीं भाई, नहीं पढ़ सकता तू, इससे अच्छा अपने को उसमें डीप चला जा, अपनी एक्सप्लोर कर ले, है ना। तो हमने स्टार्टिंग इसलिए की थी, तो मतलब हाँ स्टार्टिंग हमने की थी इसलिए कि सही से चल पाए, मुझे चल पाए, पर अब वो इतने रिजिड हो गए हैं कि वो चल ही नहीं पा रहे हैं, मतलब अब वो हम कि नहीं आप इधर से उधर, हाँ तो जैसे कि हाँ इसका वो भी है कि मतलब जो चीजें बनाई गई थी, हाँ तो जैसे अभी देख फ्रांस में हुआ अभी, मतलब तू कुछ कह रहा था, हाँ फ्रांस में अभी वो मतलब हुआ, मतलब किसी मुस्लिम ने वो मार दिया, हाँ अभी रिसेंटली, टीचर को, हाँ टीचर को मारा गया है। रिलीजन मतलब थोड़ा भी पड़ेगी ना, तो उनके रिलीजन में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है कि तुम उनके जो भी वो हैं उनकी फोटो नहीं बना सकते, मतलब बहुत ही ज्यादा नहीं बना सकते। और मतलब ऐसा इंसिडेंट लाइक 6-7 साल पहले भी हुआ था, जिसमें भी मतलब कुछ गर्दन काट दी और उसके बाद उन्होंने बोला था कि नहीं बनाना चाहिए और फिर बना दिया, है ना। तो अब रिलीजन का काम ये था स्टार्टिंग में, ताकि
एक कंस्ट्रेन रहे कि अगर कोई कुछ गलत कर रहा हो तो उसके दिमाग में आए कि नहीं भाई कोई देख रहा है हमें, है ना, मतलब ये नहीं करना चाहिए। पर वो हाँ इतना ज्यादा रिजिड हो गया कि अगर थोड़ी सी भी वो करने की कोशिश करता है तो वो लोग बोलते हैं अरे भाई ऐसे कैसे कर दिया तुमने। हाँ वो वाली चीज है ये। एक एक और लास्ट पॉइंट, मतलब एक और चीज मतलब जो थी इसमें कि जैसे वो हाँ ऑपरेशन वाला था, है ना, तो स्टार्टिंग में जब हम मतलब बहुत मतलब अगर 2-3 हज़ार साल पहले की बात करें, जब एवोल्यूशन हो रहा था तो जब हम लोग शिकार विकार करने जाते थे तो सब लोग साथ में जाते थे, ठीक है, मान ले 10 आदमी गए, हाँ 10 औरत गई, है ना। तो उन लोगों को रियलाइज होने लगा कि अगर 10 आदमी में से 2 आदमी मर रहे हैं तो औरतें 4 या 5 मर जा रही हैं, तो उन्हें उन्हें बचाना था, है ना। अच्छा तो उन लोगों ने सोचा कि यार बचाने का क्या तरीका, अच्छा कार हम करते हैं और तुम घर पे रहो, ठीक है। उस टाइम उन्होंने ये सोच तो अच्छा किया, पर वो अब क्या है, अब हमारी सारी नीड्स चेंज, है ना, अब हमें सर्वाइवल के लिए तो जीना ही नहीं है, अब हम ढूंढ रहे हैं मीनिंग, है ना। तो फिर अब वो सारी चीज हाँ ज्यादा रिजिड हो गई ना कि अब तू सोच ही नहीं सकती, वो लाइन क्रॉस करने का सोचते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं ये तो उनके लिए है ही नहीं, या वो जो कि अब गलत। रिजिड चीज हमें हटानी चाहिए थी पर हमने वो हटाई नहीं। और रिजेक्ट कर दी टाइम के साथ साथ, वो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई कि अब तोड़ना उनको मुश्किल हाँ है। पर अभी भी ये चीजें हैं कि सुधर रही हैं, कुछ कुछ पॉइंट अभी मतलब हैं। वही है कि हमारी कंट्री में हमें अभी भी लगता है कि यार ये तो बहुत पीछे है ना, पर अगर तू हाँ अमेरिका या किसी और कंट्री को भी देखेगी तो आज से 100 साल पहले उनका भी हाल हमारे जैसा ही था जो आज हमारा है, मतलब वहां पे भी हाँ हाँ तो वो टाइम के हिसाब से हमसे आगे। हाँ ऑब्वियस बात है, मतलब उन्होंने हर जगह हाँ मतलब आ गए हैं, तो मुझे और बहुत अच्छी लगी। हाँ, और मेनली मेरे को बुक्स का ये लगता है ना कि मतलब जैसे रीडिंग की तरफ जाने के मेरे जो पर्सनल है वो दो ही मोटिव है। पहला तो एक्सप्लोर करना, मतलब चीजें कई बहुत सारी चीजें, और दूसरा रियलिटी से थोड़ा मतलब हटना, एक एस्केप चाहिए होता है तो उसके लिए। तो और इस प्रोसेस में जो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, तो कुछ टाइम तक पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगता कि वो कोई फिक्शनल कैरेक्टर हैं, तो ऐसा होता है कि हम उनके साथ एकदम से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस बुक में भी मेनली जो मेन कैरेक्टर थे वो तो दो थे, वो हाँ दोनों भाई बहन थे। तो मतलब उनके साथ एक तरह से इस तरह का कनेक्शन हो गया कि जब वो इसका एक काफी सीन जो एकदम हिला नहीं देता, मतलब एकदम आपको थॉट प्रोवोकिंग सीन होता है, जब उसको उसकी माँ मर गई थी, अम्मू जब मर गई थी, और उसका वहां पे लास्ट वो हो रहा था, तो वो वाला मतलब काफी हाँ उसमें क्लाइम भी है, देयर वर नो टीयर्स, है ना, कुछ ऐसे करके लास्ट। देवर। हाँ, और मतलब वो जो पूरा डिस्क्रिप्शन था इस तरह का था कि वो कहते नहीं कि जो उस वक्त उसकी लड़की की जो पोजीशन थी वो ऐसे थी कि कुछ इमोशन फील ना करना ही सबसे बड़ा इमोशन होता है। तो वो उस बहुत वक्त मुझे लग रहा था कि वो पावरफुल उसमें फोटो, है। हाँ, काफी पावरफुल वो चीज थी। और अगर मतलब इस बुक को ऐसा हो कि एक सेंटेंस में या एक कोट में डिस्क्राइब करना हो तो वो कौन सा होगा, मतलब तुम कौन सा ऐसा कोट होगा जिसमें तुम उसे डिस्क्राइब करना चाहेगा? एक मुझे मतलब वो वाला सबसे अच्छा लगा जब वो मतलब उसकी मम्मी उससे बोलती है अम्मू की, मतलब दैट्स व्हाट हैपन व्हेन यू यूज केयरलेस वर्ड्स, पीपल लव यू अ लिटिल लेस, हाँ, पीपल स्टार्ट लविंग यू अ लिटिल लेस व्हेन यू हर्ट देम। और क्या है ना कि उसके उस कोट को उसने आगे 4-5 बार यूज किया है, और बहुत ही मतलब बहुत काफी बार यूज किया है कि मतलब कि मम्मी से वो पनिशमेंट मांग रही है पर वो प्यार हाँ बढ़ा दे, वो कि चीजें ना, मतलब पनिशमेंट दे दो पर प्यार कम मत करो। और ऐसी जब लास्ट और में मतलब जब वो मतलब उसकी मम्मी बोलती है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं होती, है ना, तो उसके पहले भी हाँ उसने लाइन तो यूज करी है कि केयरलेस वर्ड्स टाइप कुछ। मतलब उसके वर्ड्स का जो बच्चों पर जो असर पड़ा मतलब काफी ज्यादा था। ट्राई कर खैर, दी, इस वाले पॉइंट पे इस वाले पॉइंट पे अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मतलब इससे पहले एक और पॉइंट है मेनली, अगर मैं इस बुक को फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए हाँ तो हर जगह पे मतलब जो सिचुएशन थी, जो मामा जी थी हाँ मतलब, और जो उसके जो ग्रैंडफादर थे और जो ग्रैंड मदर थी, हाँ,
उन दोनों का जो रिलेशन था, मतलब जो मम्मा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो रिटायरमेंट के बाद पिकल की फैक्ट्री स्टार्ट करना, बाकी सारी चीजें करना, वो उन्होंने करा, सब कुछ वो कर रही है, मतलब मेन चीज वो है, पर फिर भी ओनरशिप उनके पास नहीं है। तो वुमेन राइट से रिलेटेड भी ये बुक काफी जो इश्यूज हैं उनको कैटर करती है। मतलब जो मुझे लगे, एक ये था और दूसरा था कि वुमेन की जो सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने की जो पेट्रियार्की की एक होती है वो चीज मुझे इसमें काफी हद तक दिखी, जो कि उसकी जो राहिल की ग्रैंड मदर थी उन्होंने करी, सेम चीज उनके बेटे ने करी। तो वो चीज उनके लिए उन्होंने एक टर्म दे दी कि मेंस नीड, और हाँ सेम चीज अगर वही उसकी बेटी ने करी तो उसका खामियाजा उसकी उनके दोनों बच्चों को, बेटी को, मतलब और उस इंसान, मतलब दो जाने गई और दो जो बचाए। बचपन थे वो छीने गए। तो हाँ, तो ये एक ये जो चीज, इससे रिलेटेड एक कोट भी है जो मतलब मुझे काफी अच्छा लगा था, जिसमें ये है कि हाँ, हर टॉलरेंस ऑफ मैंस नीड एज फार एज हर सन वॉज कंसर्न्ड बिकम द फ्यूल फॉर हर अनमैनेजेबल फ्यूरी एट हर डॉटर। तो मतलब काफी अच्छे से इस लाइन को, इस चीज को दिखाया गया है, और और ये एक एक हाँ बोल बोल। काफी बड़ा एस्पेक्ट था पूरी स्टोरी का। एक हाँ तो मतलब काफी सारी चीजों को, वुमेन्स राइट को और कास्ट सिस्टम को, जिस तरह से जितनी सिंपल लैंग्वेज से केटर करा गया है, जितने सिंपल तरीके से ना, वो काफी अप्रिशिएटिंग है, ये चीज मेरे को इसमें लगी। और पता है मतलब जैसे मैं सोच रहा था वही कि मतलब वुमेन ऑपरेशन कितना ज्यादा है ना, तो वहीं से मुझे मतलब एक हाँ हुआ आया कि देख मतलब उनका जो हस्बैंड है मतलब जो ग्रैंडफादर है वो ग्रैंड मदर पे काफी ऑप्रेस कर रहे हैं ना, हाँ वहीं जो ग्रैंड मदर है वो हाँ वो वाली चीज अनटचेबल है, उन पे ऑपरेशन दिखा रही है अपनी बेटी पे। अपनी बेटी पे, और हाँ वो जो लोग बाहर से जो अनटचेबल लोग हैं उन लोगों पे बाहर से, ऑपरेशन हाँ उन पे है दिखा रही है। ना। तो हाँ तुम बस एक लेवल में ऊपर हो, पर मतलब जो काम जैसे हाँ वो जो ग्रैंडफादर उनके साथ कर रहे हैं वही काम तुम भी किसी के साथ कर रहे हो। कर रहे, तो एक जो पावर की हायरार्की है वो बहुत लेवल्स पे है, मतलब सब लेवल उसके काफी हैं। हाँ और तो वही है, तो इसमें वही जो, अगर ये भी देखा जाए तो कास्ट के उसमें भी अगर देखा जाए ना, तो निचली कास्ट, मतलब जो जैसा कि कहा जाता है सो कॉल्ड की छोटी कास्ट है या फिर वो अनटचेबल वाली है, तो उस फैमिली का जो मैन है और जो सो कॉल्ड अपर कास्ट की जो वुमेन है, अगर उन दोनों के भी राइट्स की बात करेंगे तो वो जो मैन है ना, वो ज्यादा प्रिविलेज्ड होगा कंपेयर टू दैट वुमेन, वो उसके काफी वो सारे लेवल्स पे। अनटचेबल वाली फैमिली में चली जाएगी तो फिर वो वहां पे सुपीरियर हो जाएगा। हाँ, तो ये काफी ज्यादा मतलब लेवल्स हैं इसकी भी काफी, तो वो चीज भी इसमें दिखाने की कोशिश की गई है, वो हाँ चीज मुझे इसमें लगी। ऐसा है कि वो चीजें पता नहीं क्यों मतलब किस क्या सोच के बनाई थी, और अब उन चीजों का उन लोगों ने बहुत गलत तरीके से यूज करना शुरू कर दिया, मतलब स्टार्टिंग चाहे कुछ हाँ, और। टाइम के साथ साथ, हाँ हम लोगों ने वो फिर हाँ बहुत ही वही टाइम, रिजिड वाली की हाँ मतलब हम अब ये करने ही नहीं देंगे। हाँ टाइम के साथ साथ ना वो चीजें उनका मतलब चेंज होता गया, हाँ और तो मतलब एक ये वाला पॉइंट मेरे को लगा था। और हाँ, जो वो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के बीच के रिलेशन की बात करें, तो उसमें जो मेरे को लगा कि उस वुमेन की जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उसको लेकर के जो सोसाइटी है उनका क्या ख्याल है। पहले तो मतलब ग्रैंडफादर को पसंद ही नहीं था, फिर उसके बाद वो जो ग्रैंड मदर है उसका जो बेटा है वो आ गया, तो उसने मतलब सब कुछ, मेरी फैक्ट्री, मेरे पिकल्स, सब कुछ मेरा मेरा मेरा, जबकि कर कोई और रहा है, पर क्रेडिट हमेशा जाता ही है। तो ये वाली चीज भी इसमें दिखाई गई है। वही है कि बार बार वही बात आ जाती है कि सारे इश्यूज को काफी, मतलब हर इश्यू को हर एक लाने की को कोशिश की दिखा दिया गई कि है। भाई ये प्रॉब्लम है, और ऐसा है कि ये अभी भी है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब अभी भी है। हम लोग नहीं देख पा रहे हो है ना, मान ले कि हाँ तू अपनी फैमिली में नहीं देख पा रही हो या कहीं और नहीं देख पा रही हो, पर अगर तू थोड़ा सा भी अंदर चली जाए है ना कि मतलब जो सोसाइटी अभी थोड़ी कम हाँ डेवलप है, अगर इंटरनेट नहीं है तो वो लोग तो रियली में मतलब बहुत ज्यादा ऑप्रेस है अभी भी। है, अभी भी है, मतलब 1% जो है वो प्रिविलेज्ड है, 1% है जिनके पास
राइट टू चॉइस है, मतलब इतने प्रिविलेज्ड हैं कि वो चूज कर सकते हैं, और बाकी के जो हैं उनके पास तो वो याद आया, तो जब वो बोलती है ना कि मुझे यूके मतलब बैंक में जॉब करनी है या मुझे टीचर बनना है, हाँ मुझे टफ चॉइस उसमें बिटवीन है। करियर एंड योर एजुकेशन, तो उसके बाद बोलती है बट आई हैड टू रिमेम्बर दैट आई हैड अ चॉइस। आई हैड प्रिविलेज टू चूज, तो तो हाँ वो वाली चीज। भाई और हाँ, अम्मू वाला जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब वो बहुत ही रियलिस्टिक टाइप बनाया उन्होंने, फ्रस्ट्रेशन दिखाना हाँ, और जिस प्यार। तरह से, हाँ जिस तरह से देखा जाए तो सबसे ज्यादा उसने, मतलब सबसे ज्यादा नहीं कहेंगे पर बहुत सफर करा है। मतलब पहले अपने पापा के वहाँ, फिर उसके बाद अपनी चॉइस से उसने अगर अपनी शादी करनी भी चाही तो उसके बाद भी उसको वहाँ भी उसको साथ सही नहीं मिला था। तो फिर उसके बाद जो डाइवोर्स का जो एक टैग, डाइवोर्सी का जो एक टैग लगा उसके ऊपर, और सोसाइटी में किस तरह से उसकी, मतलब कि डाइवोर्सी है, दो बच्चे हैं, मायके में आके रह रही है, काफी तो हाँ मतलब कोई नहीं, जैसे ना मार्जिनलाइज कर देना, फैमिली के इम्पोर्टेंट उससे साइड कर देना, तो ये वाली चीज है। पर मुझे। हाँ बोलो हाँ, बोल बोल। इतना करने के बाद भी, हाँ इतना मतलब ठीक है तुम उसको साइलाइड कर रहे हो, नेगलेक्ट कर रहे हो, इसके बाद भी तुम अपनी फैमिली का जो प्राइड है वो मतलब उसके ऊपर थोप रहे हो कि इसने हमारी फैमिली को बेकार कर दिया, इसकी वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है, और तो देख काफी कॉम्प्लेक्स। एक चीज जो मुझे मतलब काफी सही लगी, देख उस फैमिली में मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ वही हुआ है कि मतलब किसी का डिवोर्स हो गया है ना, मतलब हर बहुत सारे हाँ कैरेक्टर के पास वही है। तो जैसे हाँ डिवोर्स होना भी अगर तू एक वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो उनके लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री टाइप ही है ना, क्योंकि पहले तो वही नहीं थी ना, बोलने की वही नहीं थी है ना, मतलब डिवोर्स क्योंकि हाँ मैन के लिए बहुत आसान हो जाता है ना कि चलो फिर भी, जो कि हमारी सोसाइटी में हाँ है, पर उनके लिए कि वो है, जा रही है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैसेज है एक तरह से, फिर भी कि ठीक है। हाँ हाँ एक तरह से देखा जाए तो ये पॉजिटिव वाला भी है, उसने चूज करा, मतलब हाँ ये चीज है कि उनका जो कैरेक्टर है इसको भी दिखाता है कि इतना कुछ होने के बाद भी उसने अपनी चॉइस, मतलब अपनी चॉइसेस को ऊपर रखा, उसने अपनी चॉइस से शादी करी, चाहे रिजल्ट जो भी रहा हो, हाँ भाई, अपनी चॉइस से छोड़ उसके के आए, और अपनी, हाँ, हाँ उसके और वो बाद इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को भी तैयार थी कि अपने बच्चों को वो एक अच्छा फ्यूचर दे पाएगी, हाँ वही तो वो वाली चीजें भी थी इसमें। बहुत, हाँ मतलब तुम अगर और गलती कर दिए तो तुम पूरा वो ले रहे हो कि हाँ मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना है ना, वो बहुत ज्यादा एक पावरफुल मैसेज तो है। अगर तुम उस पावरफुल मैसेज अगर कोई है। इंसान है और वो पढ़ता है तो शायद उसके अंदर करेज आ जाए कि भाई मैं भी जा रहा हूँ है ना, मुझे नहीं रहना। तो हाँ आई एग्री और मतलब कि सब ये एक लोग के साथ है गुड तो वो मैसेज है। बहुत, अगर किसी एक इंसान के साथ होता तो फिर भी वो लोग सोचते कि नहीं रहना, मतलब रहना पड़ेगा। कई लोगों के साथ है तो वो पॉइंट उन्होंने इतना एम्पलीफाई कर दिया कि हाँ कोई अगर पढ़ रहा होगा तो वो उसके अंदर इतना करेज आ जाएगा कि हाँ मुझे नहीं रहना, मैं जा सकता हूँ। मुझे नहीं रहना। हाँ तो जिस, जो मुझे लगता है कि ये बुक ह्यूमन इमोशंस को, मतलब जो है काफी अलग, मतलब काफी सिंपल वे में और काफी अलग तरीके से हैंडल करती है। मोस्टली चीजें इसमें दिखाई गई हैं, लव के बारे में है, एंगर के बारे में है, और जो एक होता है चूज करना कि आप, काफी मतलब अच्छा क्योंकि प्रायोरिटीज इतने अपनी सारे सेट कैरेक्टर्स करना। को बनाना बहुत हाँ मुश्किल है ना, बाकी मतलब कोई भी ऐसा और कैरेक्टर नहीं सारे कैरेक्टर, हाँ जैसे, बस सिर्फ वो मतलब वाला कैरेक्टर है ना, वही मुझे लगा कि उसके बारे में थोड़ा और बताया जा सकता था, बाकी तो मुझे सारे किसके बारे में? जो उसका भाई था, राहेल का भाई जो था, अच्छा चाकू, हाँ नहीं हाँ ट्विन, अच्छा नहीं, अच्छा हाँ हाँ जो, हाँ एस्थपन, तो उसके बाद हाँ मुझे लगा कि थोड़ा और तुम डिस्क्रिप्शन दे सकते थे, बाकी सबके बारे में उन्होंने सब बताया, जैसे कि खुद राहिल के साथ भी ऐसे ही है ना, उसकी भी पूरी स्टोरी बताई कि वो पढ़ने हाँ गई, उसके बाद में वो फिर न्यूयॉर्क गई, बाद वो वापस आई है ना, सबकी एक थोड़ी पास्ट भी उन्होंने बताई है ना, वो बीच की जर्नी की 5 साल से वो 31 पे कैसे पहुंचे, और उसका ये क्या वाली चीज थी। कि नॉट ओल्ड इनफ बट ए वाइबल डाइबल एज, हाँ वाई विल डाई विल एज, इतना डार्क है पर फिर भी इन्होंने बहुत आराम से बोल दिया
ऐसे ही जो बार की उम्र वाला है, दो तीन जोक बहुत अच्छे लगे। जब वो सोफी मॉल मर जाती है हाँ तो राहेल बोलती है कि सी हैज अ स्मॉल कॉफिन बट ऑफ सिल्वर कलर्ड। तो वो बहुत अच्छा, हाँ किसी की डेथ है पर फिर भी उसने वो थोड़ा सा कि एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दिया कि वो हाँ ये सिंगल चीज इसकी जितनी काफी अच्छी कॉफी है। है ना। हाँ सारी चीजों को ना बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है, तो मतलब बच्चों का होता है कि उनमें ऐसे इन्फ्लुएंस, मतलब बड़ों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो किसी एक चीज को लेकर के रिजिड हो जाता है, पर बच्चे हर चीज को एक क्यूरियोसिटी की नजर से देखते हैं, उन लोगों को मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो जो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इमोशंस को इसमें दिखाया गया वो मुझे काफी इसमें अच्छा लगा। हाँ तो जब सोफी मॉल मरती है तो जब उसका फ्यूनरल हो रहा था, तो मतलब एक ये वाली चीज भी है कि सोफी मॉल बिकम अ मेमोरी व्हाइल द लॉस ऑफ सोफी मॉल ग्रू रोबस्ट एंड अलाइव। मतलब वो तो एक मेमोरी रह गई पर उसका जो लॉस था वो पूरी लाइफ उनको पे से करना रहता है पड़ा। वो बार बार बहुत ज्यादा पावरफुल। हाँ हाँ और एक और डार्क जोक जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो क्या होता है हाँ सोफी मॉल और वो राहेल जो है वो साथ में होते हैं, तो वो चीटियां मार रही है ना, तो बोलती है कि लीव द हाँ अलोन, किल एवरीवन बट लीव द वन अलोन। वो बहुत अच्छा था कि यार एक को हाँ छोड़ लोनली, तो बहुत ही हाँ डार्क जोक था भाई। मतलब मुझे बहुत सही लगा कि उस बच्चे की तरफ से, और वो भी सोफी मॉल ने बोला है, पर वो सबको मार देती है बाद में। वो हाँ तो वो बहुत वो भी सबको मार देते कि नहीं एक को नहीं छोड़ेंगे अकेला, तो ये वाली चीजें थी। और इसमें जो एक चीज दिखाई गई है, जब जो एस क्या नाम है उसका, नाम बहुत टफ है उसके ना। भाई का, हाँ राहिल के भाई का क्या नाम है, मतलब अपन एस हाँ ऐसे ही है अपन। एस्थापन शॉर्ट में क्या था, एस्था था है ना, एस्था जो था। हाँ जब वो लोग थिएटर में गए होते हैं हाँ मूवी देखने, उसको गाना गान मतलब होता है तो वो बाहर आ जाता है क्योंकि अंदर सब लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, तो वो थिएटर में बाहर आ गया। तो वहां पर जो चीज एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है, वहां पर जो उस बच्चे के साथ हुआ वो वाली चीज जिस तरह से हाईलाइट की गई है, वो ऐसा नहीं था कि बता के वहीं पे छोड़ दियो, नहीं वो आगे वो उसके हर स्टेज पे, आगे वो कुछ भी काम कर रहा था उसके दिमाग में वो थॉट है कि मतलब ये जो क्या नाम था वो ऑरेंज ड्रिंक और लेमन ड्रिंक मैन, हाँ कि वो मतलब यहाँ तक आ सकता है, मेरे गांव तक आ सकता है। जब वो बोट लेकर के वहां जा रहा था तब भी कि वो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पर मैं सेफ हूँ। तो मतलब वो एक इंसिडेंट जो था उस बच्चे के, उसमें पूरी लाइफ उसको वो हॉन्ट करता रहा। हाँ तो उससे जो है ना मुझे एक और चीज आई, तो बाद में जो है ना वो बताने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ है ना। वो मतलब जब बोलता है कि मतलब बताने का सोचता है, तो उसके दिमाग में वो थॉट आता है कि अगर मैं मम्मी को बता दूंगा तो मम्मी मुझसे कम प्यार करना शुरू कर देंगी। मतलब वो वाला ही डायलॉग की जो होता है ना हाँ वही लव है। सेम वाली चीज। हाँ तो वो बहुत ही हाँ मतलब उसके दिमाग में यही चल रहा है कि मम्मी को कैसे बताऊं, और फिर वो सोचता है कि नहीं बताना चाहिए वरना मम्मी मेरे से ही प्यार करना कम कर देंगी। हाँ हाँ तो यहीं पे जो इंसिडेंट हुआ था मतलब जो उस बच्चे को नहीं पता था कि उसके साथ हो क्या रहा है, पर उसे इतना जरूर पता था कि जो भी है सही नहीं है, मतलब हाँ वो चीज उसको अच्छी नहीं लग रही थी। वो तो वहां पर जो एक लाइन से समराइज किया गया है कि एस्थापन याकूब फिनिश्ड हिज फ्री बॉटल ऑफ फीज्ड लेमन फ्लेवर्ड बियर, हाँ तो ये वाली लाइन पूरा समराइज कर देती है कि वो जो फियर उसके मन में बैठा, और फिर उसके बाद जब वो वहां पे फैक्ट्री में वो कर रहा होता है पिकल्स के साथ कुछ कर रहा होता है, तो तब भी वो सोचता है कि द ऑरेंज ड्रिंक लेमन ड्रिंक मैन वुड वॉक इन एनी मिनट कैच अ कोचिन बस एंड ही कैन कम हेयर, और फिर जो अम्मू है वो उसको ग्रीट करेगी, वेलकम करेगी। तो चाय पिलाएंगे। वो एक बच्चे का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मतलब जिस तरह से बताया गया वो अच्छा था। वो वैसे हाँ तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही हमने डिस्कस किए। अरे हाँ तो क्या बताया था, मुझे मतलब उसमें हाँ उसमें एक अच्छी लाइन भी है कि दैट वाज अस्थापन फर्स्ट एनकाउंटर टू फियर, तो वो भी काफी अच्छा हाँ ये उसके बाद ही, हाँ यार। मतलब वही है और कि वो भी ऐसी फियर उसके पास चीजों को ना मतलब वही है उफ। पेरेंट्स
पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, क्योंकि हमने दुनिया तो बना के है ना, हम कैसे बनाए मतलब वो, तो हमें अपने मतलब वही की सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली बात कि वहां पे देख ये कि मतलब ग्रैंड मदर जो है वो ग्रैंड फादर से कुछ नहीं कर पा रही है, पर वो भी अनटचेबल पे पावरफुल हैं, ठीक है, तो अपने जो जो उनको ऑप्रेस कर रही है वही, तो वहां पे वही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आ जाता है। और यहाँ पे पेरेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि उन्हें मतलब एटलीस्ट बताना तो चाहिए कि मतलब ऐसे मतलब गुड टच बैड टच जो हम बोलते हैं कि भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और एक और चीज जो मुझे उसने वो जो हैरेसमेंट वाला वो दिखाया है वो एक लड़के के साथ दिखाया है ना, तो वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर सकता है, वरना मतलब तुझे पता है क्योंकि नॉर्मली लोगों को सुन सुन के ना वो अफेक्ट खत्म हो जाता है कि ये तो एक ही चीज हो गई, एक ही चीज हो गई बार बार, पर जब वो एक ऐसी इंसिडेंट दिखा रहे हैं कि भाई किसी और के जेंडर के साथ भी हो सकता है, तो वो बहुत ही पावरफुल है ना, वो ज्यादा अफेक्ट डाल सकता है। और हाँ, और ये बुक देखा जाए तो 1997 के टाइम पे शायद पब्लिश हुई है, अभी से कितने 20-21 साल हो गए हैं इसको पब्लिश हुए हुए, पर अगर अभी भी हम पढ़ते हैं तो इसको ऐसा लगता नहीं है कि हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सारे चीजें ऐसा लगता है अभी की तो बात है, मतलब कंटेम्प्रेरी में ये चल तो रहा है ये चीजें। और जैसे इसमें ये आया था ना कास्ट इंसिडेंट वाला, जो वेलिथा को जो पुलिस मारती है जब उसका मर्डर कर देती है, तो वो जो इंसिडेंट जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया है उसके, उसमें मेरे को अभी प्रेजेंट का एक इंसिडेंट याद आया, पुलिस की जो अभी रिसेंटली न्यूज में था, मतलब हो गए होंगे 2-3 महीने, केरला तमिलनाडु में शायद हुआ था ये, जहाँ पे एक बाप था और एक बेटा था, उन दोनों को मतलब पुलिस कस्टडी में ले लिया गया था और इतना पीटा गया था कि उनकी मौत हो गई थी। मीडिया में कुछ दिनों तक ये बात चली, पर अगर अभी और उसके बाद काफी सारे ऐसे केसेस भी आए थे, मतलब पुलिस ने जो भी किया था ऐसे केसेस आए थे, पर अगर अभी देखा जाए तो अब उस चीज को कौन उस केस के बारे में पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा, किसी को पता है कि इसका क्या हुआ नहीं हुआ, तो वो वाली चीज तब भी थी आज भी है, तो ये एक मतलब बहुत नेगेटिव पॉइंट तक में हो रहा है ना, और सेम उसमें वाइट वाला सिस्टम जो है वहाँ पे भी हो रहा है, वहाँ पे भी पुलिस वालों ने गोलियां मार दी बिना कुछ कहे, है ना, वो तो वहां तक पहुंच, वहां पे भी हो रहा है वो, तो अगर हमसे अगर 50 साल आगे उनके साथ भी वही हो रहा है, मतलब वहां पे तो ये और हाँ, सिस्टम का एक फेलियर है जो 20 साल पहले भी था और अभी भी है। और देख उसका एक और वो है कि जैसे अब देख वो था लॉकडाउन था, तो बहुत सारी वीडियोस आ रही थी जिसमें पुलिस वाले किसी को मार रहे थे जो बाहर निकल रहा है ना, तो इनडायरेक्टली लोग हंस रहे थे, है ना, शेयर कर रहे थे, है ना, स्मॉल क्लिप्स बना के वही, है ना, तो ये हमारा भी फेलियर है कि जब तक वो बहुत पावरफुल ना हो जाए तब तक हम उसे एज ए जोक ले रहे हैं, है ना, कुछ बोल नहीं रहे, है ना, वो उस टाइम पे मतलब जैसे कुछ एक इंसिडेंट वायरल हुआ था जिसमें कोई भाग रहा था और उसने और जो एक बंदा खड़ा था दोनों ने सेम कलर की टी शर्ट पहनी थी, है ना, तो जो भागने वाला था वो चला गया और जो खड़ा था उसे आके उन्होंने पीटना शुरू कर दिया बिना कुछ पूछे बिना कुछ किए और मतलब कंटिन्यूसली पीटते गए। तो ये चीजों पर स्टार्टिंग में लोग मीम्स बना देते हैं, है ना, हंसते रहते हैं, तो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं किसी को कंफर्टेबल कर रही है कि वो एक स्टेप और आगे जा सके। हाँ, है ना, तो ये वाली चीज भी है, तो वही सोचने वाली बात है कि 20 साल पहले भी सेम चीज थी और अभी भी सेम चीज है, इतना कोई चेंज आया ही नहीं है, बुक पढ़ के ऐसा लगता ही नहीं है कि ये उतने टाइम पहले की बातें चल रही हूँ, अभी भी हम अपने आसपास देखते तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसके मिल ही जाते हैं। वही तो, और मिलते ही है वही, और हम इम्प्रूव भी नहीं कर रहे, मतलब इनडायरेक्टली कुछ चीजों में ठीक है हमने मतलब एक तो मीडिया ने बिल्कुल ही मतलब वो खराब कर दिया है ना, उन लोगों का एंटरटेनमेंट बन चुका है ना, वो कुछ हाँ, वो है नहीं कि ड्रामा, हाँ ड्रामा बन चुका है कि और कुछ टाइम बाद तो बंद ही हो जाएंगे ना टीवी, लास्ट जनरेशन हमारे पेरेंट्स ही होंगे जो टीवी देख रहे होंगे, है ना, उसके बाद कौन ही देखेगा मतलब फिर तो लोग। पर हाँ वो भी ठीक है, पर हम ऐसे कह नहीं सकते, मतलब अब जैसे न्यूज़पेपर है
इतने एडवांसमेंट के बाद भी न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंट है वैसे ही है, तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि टेलीविजन पूरी तरह से गायब ही हो जाएगा. चेंजेस आ सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, पर आई डोंट थिंक गायब होगा. प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं होती. जैसे जो मुझे बहुत ही अच्छा चेंज लगा, पर्सपेक्टिव चेंज, वो ये था जैसे अनटचेबल वाला जो पॉइंट था. तो अभी जैसे हम लोगों ने मतलब जेई की तैयारी करी, तो भाई तुम जनरल में होते हो, तुम्हें बहुत गुस्सा आती है कि तुम्हारे 200 नंबर आए और किसी के 100 आए, है ना. गुस्सा आती है कि यार क्यों भाई हमने ऐसा क्या किया है ना. उस टाइम तुम्हें कोई बहुत ही दो चार बातें बता के अगर तुम्हें वो अपनी साइड करना चाहे तो बहुत आराम से कर सकता है ना. मतलब तुम्हारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है ना कि भाई कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, मतलब कि तुम्हारे एंसेस्टर्स ने ही किया हो पर वो गलत था, है ना. और इनडायरेक्टली उन लोगों को, हाँ ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोग बेनिफिट भी ले रहे हैं जो कि नहीं लेना चाहिए अगर वो बहुत ले रहे है ना. पर कुछ जगह ऐसी है जैसे कि अभी मतलब मेरा एक दोस्त था, तो मतलब तो हम लोग बात कर रहे थे कि यार हम मतलब हमारे 205 नंबर पे भी ये कॉलेज मिला है और तुम लोगों को 150 नंबर पे भी यही मिल गया, सेम ब्रांच. तो वो कह रहा था कि मेरे गांव में अभी भी ऐसा है कि जो लोग मतलब अनटचेबल कैटेगरी और उस कास्ट में आते हैं उन लोगों को मंदिर में नहीं जाने देते, है ना, और जो गवर्नमेंट वाले नल होते हैं उसे छूने नहीं देते. तो ये मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोगों को फायदा हो रहा है ना. ऑब्वियसली बात है हम लोग को बुरा लगेगा क्योंकि हम साइड नहीं है, पर वो कि अगर तुम हाँ बुरा वहाँ पे लगता है ना जब वो लोग भी बेनिफिट लेते हैं जो कि कैपेबल हैं. हाँ तो अब फिर वही मोरल वाली बात आ जाती है कि फिर तुम्हें मोरल इतना वो होना चाहिए, है ना, स्ट्रॉन्ग कि मुझे अगर जरूरत नहीं है तो नहीं लेना है. तो हाँ ये मतलब वो था कि अगर नॉर्मल इंसान को बोलेगा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी को भी बोलेगा, मतलब जेई के केस में तो मैं बता ही रहा हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट को बोलेगा जो जनरल वाला है तो वो यही कहेगा कि यार हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है ना. मतलब आज से 2 साल पहले मैं भी बोल रहा था, पर लास्ट के 1 साल में जितनी न्यूज या जितनी एक दो बुक्स मैंने पढ़ी है उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं फिर भी सर्वाइव कर सकता हूँ. पर कुछ लोग जो है अगर उन्हें ये प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब किसी भी हालत में नहीं कर पाएंगे. तो मतलब उनका तो सर्वाइव, मतलब उनकी तो वो है ना, फिर नेक्स्ट जनरेशन भी वो नहीं कर पाएगी कुछ भी. एक बच्चा था तो उसने भाई 6 महीने में ही कॉलेज छोड़ दिया, है ना. उसे ये पता ही नहीं है कि मतलब इस चीज की इम्पोर्टेंस आगे बहुत बेनिफिट कर सकती है, क्योंकि उसे लग रहा है कि मतलब जिस इलाके से वो आता है वहां पर 10-15 हज़ार कमा लेगा, है ना. और वो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर तू लॉजिकली सोचे कि भाई ये तो डिजर्विंग नहीं है तो ये यहाँ क्या कर रहा है. ऑब्वियसली बात है कि वो जो कंपटीशन है या जो बच्चे वहां से जो अच्छे बच्चे निकल के आए हैं उनके साथ रहना अगर कंपटीशन वाइज देखा जाए तो वो डिजर्व नहीं करता. पर उसने जब कॉलेज छोड़ दिया तो वो अब वही कर रहा है, मतलब वहां पे जाके कुछ भी मतलब ऐसा, मतलब अभी कुछ एक हफ्ते पहले मेरी उससे बात हुई थी तो उसने कैमरा जो है ना वो है रेंट पे और वो फोटो खींचता है लोगों की, ठीक है. सोच उस बंदे को वो अपॉर्चुनिटी नाइटी सूरत वाली, है ना. तो क्योंकि पेरेंट्स वो नहीं है मतलब कितने की, मतलब हाँ हम नहीं भाई तू कर, है ना. उन लोगों को भी लग रहा है कि इंस्टेंट मनी है, अगर फोटो की अगर 500 रुपए लेके आ रहा है तो वो ज्यादा बेटर है ना. तो वही कि यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल जर्नल वाले लोग जो है ना वो बहुत थोड़ा सा वो हमें लगता है कि यार हमारे साथ, क्योंकि वो बहुत पर्सनल लेवल पे आ जाता है और एट द एंड सर्वाइवल के लिए तो कोई किसी का खून भी कर देगा, है ना. तो जब वो इतना ज्यादा पर्सनल मतलब लगता है कि यार मेरा अचीवमेंट या मेरी कोई चीज छीन ली गई है तो अब तुम उस चीज को नहीं सुनते हो. और उसका यूज करके कोई भी पॉलिटिशियन कोई भी मतलब वो बहुत अच्छी तरह पॉलिटिसाइज कर सकता है ना. इधर से तुमसे बोलेगा कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हो रहा है और उधर से उनसे बोलेगा. तो वही तो मुझे ये पर्सपेक्टिव चेंज लगा एक, मतलब अगर मेरे से पूछे, मतलब लास्ट के 1-2 साल में मैंने काफी मतलब ऐसी चीजें पढ़ ली है तो मुझे लगता है कि ठीक है यार, मतलब मैं फिर भी कहीं ना कहीं मतलब मुझे पता है कि इस चीज की इम्पोर्टेंस क्या है. और मतलब मेरे तू कुछ भी कह ले कि हम मतलब मिडिल क्लास होने के बाद भी फिर भी मेरे साथ ये हो गया है कि मैं फिर भी सर्वाइवल वाली चीजों में उन लोगों से आगे हूँ. तो फिर मुझे लगता है कि यार हाँ मतलब तो लगता ही है, पर फिर भी तुम कह सकते हो कि मतलब उस थ्योरी को आप वो और अच्छी तरह कर सकते हो इम्प्लीमेंट, है ना. इनकम बेस्ड बना सकते हो और भी चीजें हैं,
पर तो हाँ, जैसे ये तू अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है कि ठीक है, तू अपने आप को कंपेयर करके बता रहा है, पर जनरल का उसमें भी कैटेगरी में भी काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली नहीं है कि वो, मतलब अगर पर्टिकुलर जेई और इन सब की बात की जाए तो वो फाइनेंशियली इतना नहीं है कि वो इस चीज को सपोर्ट कर सके, तो फिर उसके ऊपर से कि इतने फिर उनको तो कंपटीशन उसी लेवल का देना पड़ता है, तो देखा जाए तो उन लोगों का भी तो हो रहा है, तो टाइम के हिसाब से जरूरत है इनको अपडेट करने की। और वही वही एजुकेशन में कास्ट वगैरह, हाँ कास्ट बेस पे रिजर्वेशन की जगह वो लोग ये कर सकते हैं कि इनकम और बाकी फैक्टर्स को लेके कर सकते हैं, हाँ, मतलब आप आप उन्हें इतनी एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी दो कि वो, हाँ 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 और जैसे तूने यहाँ पे ये बात बोली कि वो लोग वहाँ पे, हाँ तूने ये बात बोली कि रिजर्वेशन मिल जाता है फिर उसके बाद वो एडमिशन हो जाता है, वो सेम कोर्स में आ जाते हैं वहां तक, ठीक है वो रिजर्वेशन, मतलब कुछ जो मैं बता रही हूँ कि ठीक है रिजर्वेशन मिला, एडमिशन हो गया, वो आ गए, पर बात सिर्फ एडमिशन होने की नहीं है ना, मतलब सरवाइव करने की है, उस कोर्स में सरवाइव करने की बात है। अगर वो लोग उस कोर्स को सरवाइव मतलब नहीं कर पा रहे उतना, बाकी के हिसाब से नहीं कर पा रहे, तो फिर वो मेंटल प्रेशर आ जाता है, फिर वो बाकी चीजें आ जाती हैं, फिर वहां से जो एक अलग एस्पेक्ट आता है वो सुसाइड और इन सब वाला आता है, क्योंकि उनके ऊपर घर वाला प्रेशर तो होता ही होता है, फिर यहाँ से भी प्रेशर, तो ये तो एक अलग इशू हो गया, इसके हाँ, मतलब काफी भाई सारे आपने एस्पेक्ट सारी हैं। चीजें इतनी रिजिड बना रखी है ना कि थोड़ा भी चेंज करने जाओ तो लोग बिल्कुल वो हो जाते हैं कि या तो इधर या उधर, मतलब कुछ मिडिल हाँ ग्राउंड है ही नहीं डिबेट का। हाँ, और कुछ और? तो वही चीज जो इसमें भी लगा मेरे को, तो हाँ देख, अगर मुझसे मतलब अगर मैं इस बुक को हाँ बोल। अगर मैं इस चीज को एक मतलब लाइन में या एक उसमें समराइज करना चाहूंगी, तो जो इसमें एक कोट बार बार यूज किया गया है कि थिंग्स कैन चेंज इन अ डे, अरे तो मैं मतलब ये चीज मुझे काफी अपीलिंग लगा कि हाँ थिंग्स कैन चेंज इन अ डे, कुछ भी हो सकता है, नॉट मतलब बहुत, इन अ डे, मतलब एक छोटा इंसिडेंट भी, हाँ जो मेनली है ना गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो कि छोटी 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 चीजों की वजह से ही उनकी जो लाइफ थी वो पूरी चेंज हुई, तो हाँ वो मतलब एक ऐसे ये अगर वाली, कोई मेजरली सोचे तो इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं था ना उनके हिसाब से, तो वो रोज पार कर रहे, हाँ तो वो छोटी सी गलती और इतना बड़ा। हाँ हाँ मतलब मुझे देख एक और अच्छा वो लगा कि जब वो सोफी मॉल आती है ना, तो वो उससे पूछती है कि वूम डू हाँ द मोस्ट, तो वो बताती है कि मतलब जो उसके पापा हैं वो मर गए थे, उन्हें और दो तीन लोगों का नाम लेती है ना, तो फिर हाँ उससे वो राहेल हाँ बताती है कि सबका नाम लेती है और फिर उसके बाद में सोफी मॉल का भी नाम लेती है, तो उसके बाद पूछती है इंक्लूड कर देती है, क्यों, तो बोलती है कि यू आर माई फर्स्ट कजन, दैट्स वाई आई शुड लव यू, मतलब मुझे करना है, हाँ मतलब अच्छा मुझे तुम्हें, आयशा, हाँ वही, तो वो बहुत ही कि देख हमने कितना हाँ वो बच्चे को भी पता चल रहा है कि ये तो कंपलसरी है ना, कि कितनी ज्यादा बिलीव्स जो है वो हम बन है, तो जाए, वहां पर हाँ तो वो बहुत ही कि हाँ हाँ फिर उसके बाद ही मतलब नेक्स्ट में ही थोड़ा आ गई वो वाली चीज भी कही गई कि लव लॉस के बारे में कहा गया है कि मतलब वो बहुत, टू लव लॉस हैं जिसमें कि हुम यू शुड लव, हाउ यू शुड लव, तो ये वाली चीज, हाँ और ये सब ये आते वाला हुए हो रहा है, हर बंदा उन बाउंड्रीज को पार करने की कोशिश कर रहा है ना, मतलब देख पर हाँ उसका वो आंट है उन्होंने भी वहां पे ट्राई किया था, वो फादर वाला जो इंसिडेंट है कि वो ट्राई हाँ है, वो हॉस्टल तक जाती हाँ कॉन्वेंट स्कूल, और यहाँ पे देख जो वो है चेक को जो होता है हाँ वो भी हाँ कन्वर्ट ये जाके शादी कर लेता है, मूवी शादी कर लेती है, हाँ सब लोग को मतलब बाउंड्री सब तोड़ रहे हैं है ना, बस सबको ये कि मैं बच जाऊं हाँ कोई और ना तोड़े मैं बताऊँ, है ना, कि मेरी इमेज हाँ क्लीन रहे, ये सब चीजें बाउंड्री सभी तोड़ रहे हैं, और वो अच्छी चीज भी है यार, बाउंड्रीज तोड़नी तो बहुत ही जरूरी है। हाँ उनका खामियाजा भी भरना पड़ता है। अरे वही है ना कि फिर तुम एक नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर भी करते हो कि अगर सक्सेसफुल हो जाते हो, ऑब्वियसली बात है फिर अगर नहीं होते हो तो, तब हाँ पर तो फिर हाँ अगर सक्सेसफुल नहीं होते तो फिर आप उनके लिए एक ऐसा एग्जांपल छोड़ जाते हो कि अगर तुमने करा और सक्सेसफुल नहीं हुए तो तुम्हारे साथ ही हो सकता है, तो ये एक पॉइंट भी है कि वो उनको रोकता भी है उस चेंज से, तो पर वही है कि एक चेंज भी बहुत ही एक
जाता है ना कि अगर एक एक बंदा भी चेंज ले आया, अगर 100 फेल हो गए और एक ले आया, तो शायद उसकी वजह से 1000 लोग ट्राई कर लें कि नहीं भाई मतलब उसने किया। और ऑब्वियसली बात है कि सक्सेस स्टोरीज ज्यादा फेमस हो जाती है ना फेलियर से, लोग फेलियर से इतना ये तो है फोकस नहीं करते, इतना वो नहीं करते। ये तो सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे जो हमने अभी तक डिस्कस करे, तो कुछ कोई ऐसा कोई मतलब चीज जो लगा कि नहीं इस तरह से नहीं होना चाहिए, कोई नेगेटिव नेगेटिव एस्पेक्ट? मुझे वही लगा कि अगर कोई बिगनर रीडर है तो वो शायद उसे बीच में छोड़ देगा बुक को, है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा वो है, जंप बहुत ज्यादा है ना, इन द सेंस कि हाँ जो मतलब हाँ, ये मुझे दोनों चीजें लगी। हाँ, मतलब जो नॉन लीनियर जो प्लॉट था स्टोरी का, जो जिस तरह से स्टोरी टेलिंग की गई है, वो मेरे को एक पॉजिटिव वो भी लगा और एक नेगेटिव वो भी लगा कि मतलब हाँ मेरे को इसमें दोनों ही चीजें लगी। तो वो है कि जैसे हाँ कि यूजली मैंने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ी थी, तो उसमें क्या था, फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो बताता है अभी बिगनिंग मतलब जो स्टार्टिंग है उसके बारे में, और जो सेकंड चैप्टर होता है वो बताता है पीछे, है ना, और वो लास्ट में आके फिर वो बीच में जो उनका मेन इवेंट है वहां पे उसे छोड़ देते हैं। पर इसमें क्या हो रहा था कि वो चीज तो हो ही रही थी, तो फर्स्ट इवेंट है उसमें भी कहीं से वो आ जा रहा था, है ना, मतलब पहले जैसे स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर के बाद मुझे लगा कि ये वही है कि थर्ड चैप्टर जो होगा वो उनकी अभी जो चाइल्डहुड वाली लाइफ है उसके बारे में होगा, और फोर्थ जो पीछे से आ रहा है वो वाली लाइफ होगी। पर फिर बाद में वो बीच में कुछ कैरेक्टर्स इस तरह से इंट्रोड्यूस की, तो वो चीज मुझे लगी कि हाँ मतलब ऑब्वियसली बात है कि एक अच्छा चेंज तो है कि मतलब अगर राइटर कुछ ट्राई कर रहा है, पर अगर रीडर है कोई मतलब बिगनर है तो उसके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। बिगनर के लिए हो सकता है तो मतलब हाँ ये वाली चीजें जो टाइम में बार बार आगे पीछे आना, हाँ तो यहाँ पे थोड़ा वो हो सकता है। कहीं कहीं जगह पे मुझे भी ऐसा लगा मतलब कि शायद अभी इस बारे में बात हो रही है, पर फिर वो और इसमें पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो भी मतलब काफी अच्छे से पॉलिटिकल चीज को भी डिस्कस किया गया है। जब वो मार्क्सिस्ट पार्टी का जो एक लीडर होता है वेलुथा, उसके साथ उसकी पार्टी का मेंबर होता है, तो जिस दिन वो उसके घर जाता है मतलब रात को जब उस वहां पे सब हुआ होता है, जब वो उसके घर जाता है उससे हेल्प मांगने, तो वो उसको ये कह देता है कि ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। पर जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो अपने ही बेनिफिट के लिए उसकी जो डेथ है उसको यूज करने की कोशिश करता है, तो ये वाला भी मतलब होता है ये तो और भी देख लो। ये चीज तो उन्होंने अच्छी तरह बताई, पर जैसे उन्होंने वर्ड यूज कर दिया कम्युनिज्म और मार्क्सिस्ट, वो चीजों को शायद मुझे लगता था कि थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते थे, है ना। जैसे मैंने तो विकिपीडिया खोल के पढ़ा, है ना, कि मार्क्सिस्ट और कम्युनिज्म और ये सारी कौन थे या जो भी चीजें हैं, है ना, तो वही है कि अगर तो डेफिनेशन भी दे देती कि ये लोग वो होते हैं जो ये करना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा मिसिंग था। हाँ, मतलब बैकग्राउंड नहीं दिया उस चीज का। हाँ, हाँ, तो शायद वो वाली चीज नहीं थी की जा सकती थी वैसे तो। हाँ, वो जिसको पता मतलब हाँ जिसको थोड़ा पहले से पता होगा तो हाँ, वो कर लेगा। मतलब ऑब्वियसली सोच कि अगर केरला या उधर की साइड का इंसान होगा तो वो कितना ज्यादा रिलेट करेगा इस बुक से, क्योंकि नाम तक वो तो काफी कर देगा, नाम भी उधर से है तो बहुत ज्यादा वो ये जो, हाँ ये जो स्टोरी यमन में जिस जगह पे बेस्ड की गई है, राइटर का मतलब जो राइटर है अरुंधति रॉय है, वो जो रिवर की बात की गई है और मतलब ये उनके बचपन की जगह है जहाँ पे वो रह चुके हैं। तो मतलब मैं एक इंटरव्यू देख रही थी तो तब उसमें था कि कुछ उसके पर्सनल वो भी हैं मतलब जो बुक में है, कुछ उसके पर्सनल उससे भी इंस्पायर्ड है और कुछ लिंक्स हैं जो फिक्शनली कैरेक्टर की मतलब कैरेक्टर्स जो है वो क्रिएट कर गए हैं, तो ये दोनों ही चीजें हैं। और इसमें एक चीज जो है जो उस टाइम पे हो रहा था 1969 के टाइम की ये जो है बात कर रही है बुक, तो उसमें जो हो रहा था डैम वगैरह बन रहे थे और मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो रहा था, तो उसका जो एनवायरनमेंट पर और जो छोटे किसान थे उन पर जो असर पड़ा है उस चीज को भी इसमें डिस्कस किया गया है। जब जो राहेल है वो वहां से वापस आती है और वो सदी की बात करती है
कि मतलब किस तरह से पहले काफी मतलब नदी कितनी वो थी, सारी चीजें थी, और अब जो है वो एकदम से बूढ़ी टाइप्स और स्कल और बोन्स की, तो हाँ ये वाली जो ये वाला पॉइंट भी इसमें डिस्कस किया गया है, ये हाँ, और भी वो काफी अच्छा अच्छा है कि था। वो हिस्ट्री हाउस को किस तरह से चेंज कर दिया उन्होंने, होटल में बदल दिया है। हाँ कथकली परफॉर्मेंस पहले 4 घंटे का हाँ होता था, अब बस 20 मिनट का होता है, तो वो भी काफी हाँ सही तरीके से। तो वही है कि इन टोटल हर चीज, जो भी चीजें टच की गई हैं, जो भी चीजें मतलब शुरू की गई हैं, उन चीजों को अच्छे से मतलब एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है, की तरह एक अच्छी तरीके से डील किया है, ये चीज जो है मुझे लगती है। और जिस तरह से मुझे जो इसकी जो राइटिंग वो था, रीडर मतलब रीडर को इंगेज्ड रखता है कि आगे क्या आगे क्या। तो जैसा मैंने अभी बात की थी कि कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो होता है कि कैरेक्टर्स हमारे डेली लाइफ के एक पार्ट बन जाता है, ऐसा लगता है कि हम पर्सनली उनको जानते हैं, उनके साथ जो हो रहा है तो वो हम काफी रिलेट कर लेते हैं। तो बुक में ऐसा कौन सा था जो तेरा मतलब ऐसा रहा हो कि फेवरेट कैरेक्टर है, या फिर जिससे तू ज्यादा रिलेट कर पाया हो? मुझे अम्मू वाला कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा है ना, वो आई थिंक फेवरेट कैरेक्टर है मेरा इस वाली बुक में। नहीं, मतलब तू बता रहा था ना ऑडियो भी शो हो गई थी, तो कौन तो सा क्या अम्मू था वाला फेवरेट कैरेक्टर है वो कैरेक्टर? मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब एक तो वो बहुत ही रियल है ना, क्योंकि मतलब ये है कि हमेशा वही जो दो चॉइस होती है ना, कि एक तो उसे मतलब उसके दो बच्चे हैं तो उसे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए है ना, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़िया है। दूसरा फिर उसका खुद मतलब खुद की जो डिजायर्स हैं या खुद के जो सपने हैं, वो चीजें मतलब दोनों चीजों को हैंडल करना, या एक का खराब हो जाना या दूसरी अच्छी हो जाना, तो वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी। और उसकी और जो हाँ, रिलेशनशिप है ना, जो बैलेंस बनाना, राहिल और उसका जो रिलेशनशिप है, वो छोटी छोटी चीजें की है, मतलब वो डायरी लेके आते हैं उसके लिए, वो छोटी छोटी चीजें काफी अच्छी है। डायरी हाँ उनका, का नाम भी अच्छा लिखा है उन्होंने, माय हाँ लिटिल। तो अच्छी हाँ हाँ माय लिटिल अम्मू जो बर्थडे पे उसको गिफ्ट करते हैं। तो वो बहुत अच्छा है। तो मेरा ऐसा मतलब फेवरेट कैरेक्टर, तो मतलब कैरेक्टर्स तो जितने भी थे मुझे सारे ही लगे, मतलब सबका ही कुछ ना कुछ था, मेन तो ये तीन ही थे। तो हाँ जो मैंने जो कनेक्ट करा वो जो उसका राहिल का जो भाई है हाँ उससे, मतलब वो मेरे को थोड़ा लगा, उससे थोड़ा ज्यादा मतलब मैं हुई, उसके वो बहुत अच्छे जिस तरह से उसके साथ चीजें हुई, फिर उसके बाद जो हाँ जो एकदम साइल शांत हो जाता है, मतलब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब किससे बात नहीं करनी, तो हाँ उस कैरेक्टर को देख के ऐसा लगा मेरे को, ये वाली चीज वहां पे काफी लगी कि कुछ फील ना कर पाना ही सबसे बड़ा इमोशन था, तो ये वाली चीज मुझे वहां पे लगी। तो और जो राहिल का कैरेक्टर था वो भी अच्छा था, कुछ कुछ जगह पे जिस तरह से उसको घर से भी मतलब प्यार नहीं मिला था, अम्मू के साथ भी वो ज्यादा टाइम नहीं रही थी, तो उसके बाद वो गई, वहां भी शादी वादी हुई, फिर वहां से भी डाइवोर्स, फिर मतलब ऑल ओवर अच्छा था। तो जो मैंने ज्यादा जिससे कनेक्ट हुई थी वो जो राहिल का जो भाई था, वही अम्मू का कैरेक्टर भी काफी अच्छा था। मतलब काफी अच्छे बस कैरेक्टर यही जैसे है। और मतलब वही, अब मैं ऑफ टॉपिक जाऊंगा, जैसे फ्रांस कोई वाला बात नहीं, पढ़ा ना, तो वो है कि उनका रिलीजन हाँ इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि तुम बना ही नहीं सकते हो, और ऐसा कई बार हो भी चुका है। अब या तो तुम रिलीजन चेंज कर दो है ना, मतलब रिलीजन को थोड़ा मॉडिफाई करो, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को फिर दबाना पड़ेगा तुम्हें। और हमारे केस मतलब जैसे देख, अभी इंडिया हाँ जो है काफी सपोर्ट कर रहा है कि मतलब जो फ्रांस में हुआ, हम फ्रांस के साथ हैं, उन लोगों ने बहुत गलत किया। पर अभी जैसे एक कॉमेडियन थी अग्रिमा जोशिकु है ना, तो हाँ वो अग्रिमा सिबास्टी वाला जोक जोशवा, मारा, तो उन लोग जो हाँ हैबिटाट जहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं वो पूरा बंद, वो तोड़ दिया था है ना। और मतलब लाइव, मतलब रिकॉर्डिंग लाइव यूट्यूब पे लाइव रिकॉर्डिंग करके जय श्री राम करते हुए गए वो, और उन्होंने तोड़ दिया वो। पर उसमें वो पुलिस ने भी तो अरेस्ट कर लिया था, बाद में तो हो गया था वो चीज, तो काफी
पर यार वही, अब देख बाद में तो जैसे अभी फ्रांस ने क्या किया, उनका जो उनके वो थे मतलब क्या कहते हैं मोहम्मद, और वो जो थे उनका उन्होंने कार्टून जो है ना पूरी उसमें कंट्री में जो है ना टेलीकास्ट कराया है, मतलब समझ रही है तू, वो जो उनका प्राइम मिनिस्टर था वो बहुत ज्यादा वो हो गया कि ऐसे कैसे मार सकते हैं आप। हाँ, उसके वो पढ़े थे, और प्राइम मिनिस्टर ने भी तो काफी मतलब स्टेटमेंट्स दिए थे जिनके ऊपर बाकी जो ये गल्फ कंट्रीज के जो काफी उसके बाद क्या सारे हुआ हैं फिर, उन्होंने भी अपोज किया था। उसके बाद क्या हुआ फिर, 3 दिन बाद दोबारा चर्च में हमला हुआ और उन लोगों ने 3 लोगों को मार दिया। ये वाली चीज हाँ तो वही है कि मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, और तुम मतलब कि इन टॉपिक्स पे बात नहीं करनी चाहिए, है ना, तुम ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ना, अगर तुम ऐसे बात करोगे तो यही होगा। तो वही है कि तुम लाइन कहाँ क्रॉस करोगे कि भाई ये तो गलत है और ये सही है। हाँ, अभी जैसे रिसेंटली एक केस ये एडवर्टीजमेंट का भी तो आया था, जो तनिष्क के एडवर्टीजमेंट पे इतना हुआ था, तो उस पर भी मेरे को दो पॉइंट ऑफ व्यू मिले। एक तो एक मतलब एक का मतलब जो मोस्टली लोग थे उनका तो यही था कि बैन नहीं करना चाहिए। अच्छी बात मतलब हाँ, ये ठीक था कि बैन नहीं करना चाहिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, जो मैसेज था काफी सही दिखाया गया था, सेक्युलर था। और जो एक ऐसे यूट्यूब पे चैनल है मतलब वो भी उसमें जो मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू मिला वो इसके अपोजिट में था, उन लोगों का जो अपोज कर रहे थे कि सेक्युलर नहीं है, एडवर्टीजमेंट बैन होना चाहिए, उन लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि इन्होंने मतलब मुस्लिम हिंदू लड़की को मुस्लिम के घर में क्यों दिखाया है, मुस्लिम लड़की को हिंदू के घर में क्यों नहीं दिखाया है। फिर जो वो जो एक्सप्लेन कर रहा था उसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी दे रही थी, कुछ मूवीज और कुछ एडवर्टीजमेंट में ये चीज हुई भी थी कि हाँ हिंदू मतलब हिंदू घर में मुस्लिम उसको दिखाया गया था, तो फिर उसके बाद जो उसके डायरेक्टर वगैरह उन सब पे जो भी हमला हमला हुआ, तो वो हाँ सारी चीजें मतलब उसने बताई थी। तो फिर वो देख के मेरे को लगा कि उन जो अपोज कर रहे हैं उन वो लोग भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर तुम दिखा रहे हो सेक्युलर कह रहे हो तो फिर दोनों तरफ से हो, मतलब एक प्रॉब्लम साइड वही है का। कि तुम मतलब जितन मतलब तुम्हारे अंदर कितना दम है कि तुम वो वाली साइड भी दिखा सकते हो या नहीं दिखा सकते, है हाँ, ना। तो वो वही चीज उसमें भी कही गई थी कि अगर मतलब सेक्युलर बोल रहे हो तो दोनों तरफ से हो। यूएसए की कोई मैगजीन है तो उन लोगों ने सबका ही बनाया है, उन्होंने क्रिश्चियनों का भी बनाया, हिंदू का भी बनाया, उन्होंने मतलब मुस्लिम्स का भी बनाया, तो उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। तो कि अगर तुम दिखाना चाहते हो वो ये कि किसके पास कितनी पावर है, अगर दिखा सकते हो तो दिखा दो। तो अगर मान लो हाँ, ये थोड़ा सॉफ्ट टारगेट है तो लोग चाहते कि भाई यही सही है ना, ये लोगों को हम बोल सकते कि सेक्युलरिज्म हो, तुम हिंदू हो और ये सारी चीजें, है ना। ये चीज लोग बहुत बोलते हैं कि हमारे टाइम पे आप सेकुलर बोल देते हो और और उनके नहीं इतना। बोलता तो वही काफी सारे हैं, दोनों दोनों साइड से हैं हाँ वो पर जो। बहुत ज्यादा लोगों के पास नॉलेज नहीं है ना, तो अगर हाँ, एक मेन लोग चीज तो यही बेसिक है। से डिसाइड कर लेगी ना अपना पर्सपेक्टिव कि नहीं भाई यही सही, तो फिर वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है कि नहीं यार मतलब ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। हाँ, इन केसेस में जो नॉलेज है चीजों की, सही सही नॉलेज, वो हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो मीडिया जो रोल प्ले करता है वो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिस तरह से इंडिया का मीडिया प्ले कर रहा है वो तो कहने के बाहर ही है, उसके ज्यादा लिए तो कुछ कहना ही नहीं है जो। हाँ मतलब उन लोग ने एंटरटेनमेंट बना दिया उनका तो नो, हाँ वही, पर शायद मतलब वही है कि लोग देखते भी तो नहीं है ना, मतलब जैसे शायद सबसे जो मॉडेस्ट अगर अभी वो बोला जाए जर्नलिज्म हो रहा है तो वही रविश कुमार वाला ही है ना। हाँ NDTV का जो, तो एक बार हाँ बोल सकती कि हाँ मैं ये सुन सकती हूँ, हाँ देख उसमें भी बायसेस हैं कि वो उसमें आगे भी जाता है। है, कुछ न्यूज है जो वो नहीं उठाता है अगर वो ज्यादा ही मतलब ऑप्रेस वाली होती है ना, कि मतलब अगर मुस्लिम लोगों हाँ को वो किया जा रहा है तो वो नहीं करता है, या मुस्लिम लोगों के साथ हो रहा है तो बता देता है, पर फिर भी उसका एक वो है कि हाँ लॉजिक है, वो समझाना चाह रहा है तो उसके पीछे कुछ हाँ है। जो मतलब जो बाकी चैनल्स में चल रहा है उससे तो बहुत ही बेटर है। हाँ वो अगर वो 100 पे 70 हाँ है तो ये लोग तो 15 पे है, तो हमें तो वो 70 फिर बेटर लगेगा। हाँ तो मतलब वही है कि एक ना वो है सर्कल टाइप का है, मीडिया का कहना है कि ऑडियंस नहीं देखना चाहते इसलिए हम नहीं दिखा रहे, और ऑडियंस का कि मीडिया नहीं दिखाते इसलिए हमें नहीं दिखता।
पर फिर मेन बात वही है कि जो आप कॉमन जो देखा जाए तो मोर देन 80% जो लोग हैं वो बाकी चैनल्स को देखते हैं हाँ वो जो उन्हें भी मसाला जैसे पॉपुलर हैं चाहिए भाई आज वो। भारत। हाँ हाँ तो वो उन चीजों को देखते हैं, तो फिर वही है कि वो उनके जो थॉट प्रोसेस है उस चीज को भी खत्म कर देते हैं। तो उसमें जो ये बात हुई थी कि हाँ मैं क्या कहती, हम अपोजिशन अभी देखा जाए तो अगर एक डेमोक्रेसी है तो उसमें अपोजिशन भी उतना ही रोल प्ले करता है जितना कि जो पावर में है, मतलब जो पावर में है उसको सही से वो करने के लिए अपोजिशन जरूरी होता ही है। और अपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि अपोजिशन कोई एक पार्टी हो या कोई एक पर्टिकुलर वो हो, नहीं, एक आइडिया है। मतलब ये स्टूडेंट के प्रोटेस्ट से भी हो सकता है, पार्टी के उससे भी हो सकता है, क्वेश्चन जो करते हैं वो चीज अपोजिशन मान जाती है। पर अगर अभी करंट सिनेरियो में देखा जाए तो जो मीडिया मतलब जो टेलीविजन न्यूज जिस तरह से दिखाते हैं, उन्होंने लोगों के अंदर की ये चीज खत्म ही कर दी है। क्वेश्चन पूछने वाली चीज अब अपोजिशन ही खत्म कर दिया, तो ऑब्वियसली सारी चीजें जो पावर वाला है उसी के कंट्रोल में आ गई है। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला जो टाइम, मतलब अभी जो है इस वक्त जो लोग हैं हार्ड पावर से, मतलब डायरेक्ट पावर से रूल करना मतलब नहीं करते, सॉफ्ट पावर का यूज करते हैं। इस तरह से यूज करते हैं कि मतलब लोगों के ऊपर वो रूल कर भी रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि उनके ऊपर रूल किया जा रहा है। तो जब हाँ उन्हें पता ही नहीं है कि उनके ऊपर रूल किया जा रहा है तो वो अपोज क्या करेंगे। तो वही वही चीजें अभी चल वही रही हैं। कि जो डेमोक्रेसी है वो तो रिच कंट्रीज के लिए थी, ठीक है, मतलब वो ग्रीक आई यूरोपियन कंट्रीज जो थी वहां पे थी वो, तो हमने मतलब हमारी कंट्री रियली में वही कंट्री है जो अभी रूलर जैसे चाइना था, है ना। तो चाइना तो बोलेगी कि काफी बेकार है, पर उन्होंने हर आम आदमी को उतना वो दे दिया कि अच्छी लिविंग जी पा रहे हैं। मतलब आज से 70-80 साल पहले चाइना का बहुत बुरा हाल था। हाँ मैं मानता हूँ कि इंडिपेंडेंस, फिर वही की इंडिपेंडेंस, फ्री विल, वो सारी चीजें आ जाएंगी, पर उस कंट्री में वो रूलर वाला सिस्टम की एक ही बंदा होगा, एक ही सरकार होगी, कुछ नहीं कर सकते तुम, बहुत सारी चीजों पे कोई वो नहीं है। तो जो देश के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है वो ठीक है, पर ओवरऑल उन्होंने उस कंट्री को बहुत पावरफुल बना दिया, है ना। पर पावर भी देखी जाए तो किसके हाथ में, कुछ ही लोगों के हाथ में हाँ है ना। वही हाँ तो हाँ हमने ये डेमोक्रेसी इसलिए बनाई कि भाई हाँ हमारे हिसाब से सबको अधिकार होना चाहिए, वो सारी चीजें, पर वो तभी अधिकार वही है ना, सामने वाले को पता भी तो होना चाहिए कि इस वोट की वैल्यू क्या है ना। वही कि अगर कोई बंदा 100 रुपये या 500 रुपये में अपना वोट किसी को भी दे सकता है तो वो इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी को फेल कर रहा है, और हमारी कंट्री में हो रहा है देख, है ना। अगर तू लो वो लेवल पे जाए तो लो लेवल पे तो वही है कि तू मुझे 500 रुपये दे, मैं तेरी साइड वोट दे दूंगा, तू 1,000 दे तो तेरी साइड दे दूंगा, है ना। ये कोई फर्क नहीं पड़ता देश में क्या चेंज आ रहा है, क्या चेंज नहीं आ रहा। कुछ लोग होते हैं, हाँ ऑब्वियस सी बात है, और जैसे ये कि गवर्नमेंट का ये कि 15 साल बाद दूसरी आ ही जाएगी, क्योंकि ओवरऑल फिर तुम्हें दिखने लगता है कि यार ये खराब ही है ना। तो फिर राउंड आएगा तो उनका फिर एक हाई आएगा, फिर उनका लो हो जाएगा, दूसरे का हाई आ जाएगा, है ना। वहीं अमेरिकन या वैसी कंट्रीज में उन लोगों के पास प्रॉपर वो है कि मतलब एजुकेशन उस लेवल तक है कि एजुकेशन है। वो क्वेश्चन करें कि यहाँ पे क्या है कि तुम लोगों को बहुत देख वहां पे भी हो रहा है पर यहाँ पे बहुत ही कम है। मतलब यहाँ पे तो ऐसा है कि लोग बहुत ही आराम से वोट किसी को भी दे देंगे कोई। हाँ अब वही चीज है ना कि अगर बेसिक नीड्स लोगों की पूरी नहीं हो रही है तो फिर उनको फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ। डेवलपमेंट हाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो मोस्टली है, मतलब जो ज्यादातर देखा जाए तो मेजोरिटी जो है वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना चाह रही है, तो उनको मतलब नहीं है। और फिर तू सेंटीमेंट पर दे कोई भी कि मतलब हम हाँ ये जो इमोशनल वाले चीजें हैं उन लोगों को जोड़ने के बाद तो फिर लोग कुछ भी कर देते। हाँ पर फिर मुझे ये भी लगता है कि ठीक है डेमोक्रेसी वाला रूट लंबा हो सकता है, मतलब डायरेक्ट वो नहीं हो सकता, काफी टाइम बाद चेंजेस आ सकते हैं। पर इसका सॉल्यूशन सीधे ये नहीं है कि एक इंसान का वो कर दिया जाए, वो भी फिर गल अलग ही है। जरूरी नहीं है कि अगर एक इंसान की मोनोपोली चल रही है। हाँ जितने भी मेथड्स हमने ढूंढे ना वो सब में फ्लॉज है, किस तरीके से हाँ चला पाओ वो, ये कि अगर हाँ यूरोप तो हमें वही चूज करना है कि जिसमें कम फ्लोज है उसको चूज करें। मतलब अब और डेमोक्रेसी बहुत कंट्रीज में। हाँ अब जैसे कि डेवलपमेंट का अगर हम कहें तो चाइना को हम नहीं कह सकते, मतलब ठीक है वो डेवलप्ड कंट्रीज में आती है, पर अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमी और इन सब का ही नहीं है।
मतलब हेल्थ केयर वगैरह इन सब के साथ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी काफी मैटर करती है। देखो वो चीजें ऑब्वियसली बात है कि मतलब वही कि मीनिंग ऑफ लाइफ तो मैटर तब करता है जब तुम सर्वाइवल कर पा रहे हो, है ना। हाँ हमारी कंट्री में अभी सर्वाइवल नहीं है, है ना। बहुत सारे लोग हैं, मतलब यार बहुत ही ज्यादा लोग हैं जो मतलब जिनका वो है कि वो दिन के 40 रुपए ही कमा रहे हैं, है ना। मतलब वो वाली परसेंटेज बहुत ही ज्यादा है ना। अब मतलब वापस टॉपिक पे आ जाते हैं, तो देख, हाँ तो देख, वुमेन ऑपरेशन से मतलब एक और थॉट था कि देख अगर हमारे रिलीजन भी देखे ना, तो हर रिलीजन, हमारे रिलीजन में भी ना उसी तरीके से दिखाया है। मतलब वुमेन को पावरफुल नहीं दिखाया ना। मतलब देख प्रॉब्लम क्या है ना कि देख जैसे रामायण ले ले या महाभारत ले ले, किसी भी उसको ले, तो मतलब फॉर एग्जांपल अब तू कहेगी कि बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, हर इंसिडेंट के पीछे एक इंसिडेंट होता है इसलिए वो हुआ, है ना। मतलब यूजली हम जो भगवान वाली चीजें होते हैं वो इस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि पहले वो हाँ वो जस्टिफाई वैसे करते हैं। तू मतलब जो जैसे अगर मतलब सीता के साथ जो भी चीजें हुई वहां पे तू और स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दे सकती थी सीता को पावरफुल बना के, राम को पावरफुल बनाने हाँ की जरूरत नहीं थी ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा बना दिया तो तुमने गलत कर दिया, पर क्योंकि तुम भगवान हो तो आई थिंक तुम सबसे अच्छा मेथड जानते होगे उस चीज को करने का, हाँ है ना। क्योंकि वरना तो फिर तो मैं भी कर लूंगा वो चीज, तो फिर तुम में और मेरे में डिफरेंस। मतलब प्रॉब्लम ये कि देखा भी कि तुम क्या कह रहा था कि हम मेरे हिसाब से जो ना मतलब राम इज बहुत ही अच्छा इंसान है, जिसने अगर मुझे अच्छा बेटा बनना है तो मुझे उसे फॉलो करना चाहिए, है ना। तो हाँ पर अगर अच्छा पति बनना है तो राम को फॉलो मत करो। कर सकता मैं, है ना। पर क्या है कि हमने इतनी स्ट्रॉन्ग, वही अब यहाँ पे भी देख राम की कोई गलती नहीं है, हमने अपना रिलीजन इतना रिजिड बना रखा है ना कि अगर मैं राम को क्वेश्चन करूंगा तो मैं बिल्कुल ही गलत हो गया, है ना। क्योंकि हाँ बल्कि भगवान की भी कुछ गलतियां तो होंगी ना, मानते कि अगर वो भगवान भी थे तो कुछ गलतियां होंगी, पर हमारी डेफिनेशन ही यही है कि जो भगवान है उसकी कोई गलती नहीं हो सकती। हाँ वो जस्टिफाई हो जाती है। हाँ वो हमेशा कि उससे पहले वो श्राप मिला था तो इस वजह से ये हुआ और इस वजह से ये हुआ। तो देख वो मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज होती है, पर छोटे बच्चों पे तो वही है ना कि वो उनपे तो वो असर डालेंगी। जैसे कि तू देखा होगा डालेंगे जो विष्णु भगवान का दिखाया जाता है, तो वो मतलब लक्ष्मी जी होती हैं वो उनके पैरों के पास दिखाई जाती हैं। तो हाँ बात कर रहे हो मतलब ये तो सुप्रीम चीज है ना, यहाँ पे तो कोई अनइक्वालिटी वाली चीजें नहीं आनी चाहिए ना। हाँ इस केस में ना मेरे को इनका काफी अच्छा लगता है, जो शिव और पार्वती है ना हाँ इनका मेरे को काफी अच्छा लगता है। वही है कि मतलब ये हमारी वो है कि मतलब वुमेन्स को क्यों मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें लड़ना है यहाँ पे, है ना। एक तरह से चल अभी तो अवेयर हो रहा है ना, सोशल मीडिया आ गया है, लोग अवेयर हो रहे हैं, है ना। हमारी जनरेशन, पर हमारी जनरेशन से पहले मतलब हमारी कंट्री में ऐसा है कि 10% वुमेन है जो जॉब करती है, 10% है ना, और बांग्लादेश में 82% है। बांग्लादेश हमसे कितना वो है तब भी, और हाँ 10% उनका में हाँ भी तो और 10% में भी तो इक्वल पे का रेशियो कितना है, इक्वल पे तो 10% में भी नहीं है। देख ले, तो वही है कि तुमने वही मतलब मान लिया है ना एक तरह से। अब उस चीज को चेंज होने में टाइम तो लगेगा, पर स्टार्ट तो वहीं से होगी ना। तुम अपने जो मतलब कुछ भी बना रहे हो, है ना, मूवीज बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो वो चीज उस वहां से स्टार्ट करो ना। अगर तुम वही चीज चेंज नहीं करोगे तो फिर तो जो नॉर्मल बच्चे के दिमाग में इमेज है वो तो वही रहेगी ना कि सीता जी को बचाने के लिए राम जी हैं, तो उन्हें हाँ बचाने की जरूरत नहीं है खुद को। नहीं है मतलब यूजली बहुत सारे जो भगवान है उनमें मतलब ऑब्वियसली बात है जो मतलब ये होता है क्या कहते हैं, अरे नवरात्रि जो होता है उसमें सारी पावरफुल मतलब वुमेन पावर है ना। पर हाँ ये ज्यादा ये जो स्टोरी है रामायण हो गई महाभारत हो गई, ये कितनी एम्पलीफाइड है ना। इनके कंपैरिजन में ये ज्यादा एम्पलीफाइड तो है। हम जानते ही नहीं है, जो हम जानते हैं उसके हिसाब से तो सब गलत हो गया ना। हाँ तो ये वाली चीज तो मेरे को भी लगती है। हाँ तो मुझे मतलब बुक में ये लगा कि जैसे कि मतलब उसकी मम्मी को पता ही नहीं था ना कि मतलब उन्होंने तो अपने बच्चे को भी नहीं बचाया ना, मतलब अम्मू को जो वो मार हाँ रहे उसके पापा तो भी नहीं बचाया उन्होंने, है तब भी ना। नहीं बचा। मतलब अपने आप को चल उनके दिमाग में जो भी हो, पर अगर कोई अगर उनका बच्चा पिट रहा है तो शायद वो बचा सकती थी, है ना।
पर तब भी नहीं बचाया, और तो बाद में भी नहीं बचाया। बाद में भी जब उसके पापा मर गए थे तो उसके बाद घर की जो सारी पावर थी वो किसके हाथ में आ गई थी, अम्मू के भाई के हाथ में आ गई थी। और वही सेम चीजें, वही जो चीजें अम्मू के लिए थी वो कितनी अलग थी, और अम्मू के भाई के लिए वही अगर चीज देखी जाए तो वो कितनी अलग थी। अम्मू का भाई भी डाइवोर्स ही था, हाँ अम्मू भी डाइवोर्स ही थी, दोनों के उसमें कितना डिफरेंस था, हाँ लोगों का जो नजरिया था दोनों के लिए कितना अलग था। मतलब कुछ काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो मतलब वो क्या अम्मू वाला वो नहीं जो क्या नाम होता है अम्मू का जो भाई होता है और जो उसकी मतलब क्या नाम था, नाम ही भूल गया मैं, मैंने पूरा चार्ट बनाया था, इतने टफ नाम थे भाई। हाँ हाँ, जो वो एक और तो चेको होते हैं उनका भी एक मतलब जो रिलेशनशिप है जो बहुत ही ज्यादा डार्क साइड जो दिखाया है उन्होंने, है ना, कि हाँ, इसमें एक और चीज, हाँ तो कंप्लीट कर। जो मतलब प्रॉप मतलब देख ये बहुत ही अच्छी चीज है कि तुम मोरल वैल्यूज को क्वेश्चन करके छोड़ जाते हो, मतलब हाँ तुमने रीडर की मोरालिटी क्वेश्चन कर दी कि उस रिलेशनशिप को कैसे देखता है ना, वो बहुत वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि तुम मतलब वहां पे तू उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर सकता है। हाँ ये चीज थी इसमें। और एक और चीज इसमें, जब वो राहेल और एस्था के बीच में लड़ाई होती है तो राहेल उस एस्था को थप्पड़ मार देती है, एस्था राहेल को वापस थप्पड़ मार देता है। फिर जब वही सेम चीज चाको और अम्मू के बीच में होती है तो राहेल या एस्था इन दोनों में से ही दोनों कोई क्वेश्चन सोचते हैं मन में कि शायद ये भी थप्पड़ मारेगा, ये भी थप्पड़ मारेगा, पर उन्होंने नहीं किया होता है। तो ये जो चीज यहाँ पे थी ये भी मतलब काफी होती है एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ कि वो किस अगर वो तरह से मारा तो रिलेशन को मार देखता देंगी है। ये मुझे पता है ना तो। ये पर वो होगा नहीं, मतलब हाँ एक्चुअल में वो होगा नहीं, तो वही एक बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हाँ उसने सारी मेन चीज हाँ इसकी यही थी। तो यही काफी सारे ऐसे रीजंस मेरे को लगता है कि हाँ रहे होंगे जिनकी वजह से ही इस बुक को बुकर्स प्राइज भी दिया है, हाँ और भी मतलब काफी सारे प्राइज हैं। एक और चीज जो हाँ मुझे याद आ गई अब, एक वो जब वो क्या नाम था वैल्यू था को मारते हैं पुलिस वाले, वो जो सोफी मॉल और राहेल और उन तीनों ने उसकी नेल पेंट कर दिए होते हैं, नेल पेंट जो क्या रहे थे वो, वो मतलब उसने वो वाला सोशल कॉज भी उठा दिया है ना, थोड़ा सा छोड़ दिया, हाँ देखो ये वाला वो पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम रियल में कौन हो, वो सारी चीजें जो भी है ना, हाँ वो वाला पॉइंट भी उठाना तो हाँ उस चीज को टच करा रीडर के मन में, वो क्वेश्चन वो करके छोड़ दिया वहीं पे सारे सारी सोशल कॉज। चीज। हाँ तो अपने टाइम के हिसाब से ये बुक काफी, मतलब अपने टाइम के हिसाब से ये बुक आगे थी, काफी आगे थी। हाँ यार और प्रॉब्लम्स भी तो चेंज नहीं कर पा रहे ना, अभी भी वहीं पे अटके हुए हैं ना। हाँ तो वही अभी भी मतलब नहीं लगता, करंट सिनेरियो में भी एग्जांपल्स मिल ही जाते हैं। शिफ्ट नहीं आ रहा अब, जैसे पहले शिफ्ट था सर्वाइवल से मीनिंग या ऐसा कुछ, वो शिफ्ट नहीं है कि हम लोग क्यों करना चाह रहे हैं या जो चीजें हो रही हैं उनका मेन रीजन क्या है। हाँ हाँ ये वाली चीजें हैं। तो ऑल एंड ऑल बुक काफी अच्छी थी, मतलब और मस्ट रीड। एटलीस्ट एक दो बार और पढ़नी चाहिए ताकि वो कि तुम बहुत अच्छी तरह समझ पाओ ना कैरेक्टर्स को, और सबसे अच्छी चीज ये कि अगर तुम पढ़ रहे हो तो उससे तुम्हें बहुत सारे सोशल कॉज के बारे में पढ़ने का मन करेगा कि अच्छा इसके पीछे क्या रीजन रहे होंगे या वो सारी चीज। हाँ वो चीज मतलब ऐसी है कि पढ़ने के बाद कैरेक्टर्स का जो कैरेक्टर्स हैं और जो इंसिडेंट्स हैं वो रीडर के साथ रह जाते हैं, स्टोरी वहाँ खत्म हो जाती है पर वो क्वेश्चंस रीडर के साथ रह जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज मतलब जो बुक्स ऐसी होती हैं जिनमें कोई ऐसी एंडिंग नहीं है कि हाँ एंडिंग बहुत हाई दिखे जाती है, यहाँ पे कोई हाँ ऐसी एंडिंग नहीं है कि बहुत हाई दिया कोई हो, एंडिंग नहीं थी, वो एक कोई एंडिंग ही नहीं छोड़ी, वो एक कहानी दिखा दी आपको और बस। वो हाँ उससे आगे बताया भी नहीं कि वो राहेल और आस्था हाँ तो आगे हाँ क्या होगा, वो वो बहुत सारी अच्छी ओपन एंडिंग जो है इसकी, ओपन एंडिंग काफी सही थी। हाँ तो एंडिंग का फायदा ये होगा कि मतलब वो एक ही, वरना रीडर के दिमाग में बस वो एंडिंग रह जाती है, जैसे मूवीज में होता है यार कि लास्ट में वो ऐसी एंडिंग दिखा दी कि सिर्फ उस एंडिंग के बेसिस पे मूवी जज कर सकती है तू तो, कि ये एंडिंग अच्छी नहीं थी ये एंडिंग खराब थी और ठीक है बाय। अभी हो गया ना कंप्लीट ये अब तो? मैं वो कर लूंगा बाकी सब है ना चेंज में। ठीक ठीक है ठीक ठीक है। है ठीक है।
तो यार आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, मुझे तो बहुत मजा आया एंड वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड द बुक एंड अराउंड द इश्यूज दैट आर स्टिल हैपनिंग इन आवर सोसाइटी एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक माई फ्रेंड मनीषा फॉर डूइंग दिस, क्योंकि अगर मैं अकेले करता तो बहुत टफ हो जाता। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हम लोग हर वीक एक बुक के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आई ऑल्सो सजेस्ट यू टू प्लीज रीड द बुक, बहुत ही अच्छी बुक है। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।